एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मींस, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन हो रहा है और उस पॉल्यूशन से जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल दो इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट ऑल्सो इंक्रीजेज पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मीन्स, भले ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे पहले हमारा जो नेशन था वो ज़्यादा डेवलप एंड ग्रोथ नहीं हुई थी उसकी, बट जब हमने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना स्टार्ट किया, तो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ग्रो हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुई हमारी कंट्री की। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे डेवलपमेंट और ग्रोथ तो हो ही रहा है, लेकिन पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ हार्मफुल केमिकल का यूज़ करती हैं, फिर उनसे जो टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिक निकलता है, वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो इंक्रीज़ करता है पॉल्यूशन। और फिर जब ये पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। मेनली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फोर टाइप ऑफ पॉल्यूशन करती हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो इन चार पॉल्यूशन के बारे में ही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज़ जो हैं इन सारे पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर रही हैं और कैसे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँच रहा है। तो सबसे पहले पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन। तो मेनली एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या है, क्या कारण है एयर पॉल्यूशन का, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस। मींस, एयर पॉल्यूशन का जो मेन कॉज है वो क्या है कि जो अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं, जो डिज़ायरेबल नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनका जो प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, हमारे एयर पॉल्यूशन का कॉज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं, ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस हैं, ये अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं, जो कि बहुत हाई प्रपोर्शन में, हाई अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ये जो अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं वो मेन कॉज हैं एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट है, एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट मीनिंग होता है स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं एंड लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब जो एयर में ये पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, डस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, स्प्रे मिस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं एंड स्मोक के फॉर्म में हो सकते हैं। अब जो ये स्मोक है वो कहाँ से आता है, तो जो स्मोक है वो मेनली कहाँ कहाँ से आता है, केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज से। वो फैक्ट्रीज जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है या जहाँ पर पेपर बन रहा है, उन फैक्ट्रीज़ में जब प्रोसेसिंग होती है, जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस वक्त स्मोक निकल के आता है। देन रिफाइनरीज, रिफाइनरीज क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर किसी सब्सटेंस को प्योर स्टेट में निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं रिफाइनरीज। तो उसके प्रोसेस में भी स्मोक जनरेट होता है। देन स्मेल्टिंग प्लांट्स, स्मेल्टिंग प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जहाँ पे किसी मेटल के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो वहाँ पर भी स्मोक जो है जनरेट होता है। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, वहाँ पर तो स्मोक जनरेट होता ही होता है। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, स्मोक जनरेट कर रही हैं। और स्मोक भी कैसे जनरेट कर रही हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन नॉर्म्स होते हैं ये उनको भी फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये क्या जनरेट कर रही हैं, टॉक्सिक गैसेस। इनके इंडस्ट्रीज में जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उससे क्या हो रही हैं, टॉक्सिक गैसेस जो हैं जनरेट हो रही हैं। और जो ये टॉक्सिक गैसेस जनरेट हो रही हैं वो क्या कर रही हैं,
adversely affects human health, animals, plants, buildings and atmosphere. ये adversely affect कर रही हैं human health को, जो हम humans हैं उनकी health को क्या कर रही हैं, ये adversely affect कर रही हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनटेक करते हैं तो उस वक्त क्या हो रही हैं, टॉक्सिक गैसेस भी हमारी बॉडी में जा रही हैं जो हमारे लंग्स को ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत जो ख़तरनाक बीमारी हैं, बहुत जो अलग अलग डिजीज़ हैं वो भी ह्यूमंस को आज हो रही हैं। देन एनिमल्स को भी ये एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, देन प्लांट बिल्डिंग को भी ये एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं, और एटमॉस्फेयर को तो बहुत बुरी तरीके से ये टॉक्सिक गैसेस अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मेनली मीनिंग क्या होता है, जो वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। सो जो मेन कॉज है वाटर पॉल्यूशन का वो क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। मींस जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मींस क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो मेन कॉज है वाटर पॉल्यूशन का वो क्या है, जो इंडस्ट्रीज चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट कर रही हैं या चाहे वो इनऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट कर रही हैं, दोनों ही वेस्ट को वो क्या कर देती हैं, रिवर्स में वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देती हैं, जो कि एक मेन कॉज बन जाता है वाटर पॉल्यूशन का, जिससे हमारी वाटर बॉडीज़ क्या हो रही हैं, पल्यूट हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन कल्प्रिट। इस पर हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वाटर पॉल्यूशन की मेन कल्प्रिट्स हैं। सो देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ जब प्रोसेस करती हैं तो एट द एंड इनका कुछ ऐसा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसको ये प्रॉपरली डिस्चार्ज करने की बजाय वाटर बॉडीज़ में डग आउट कर देती हैं। देन है केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, केमिकल्स में प्रोसेसिंग करती हैं और उसके बाद ये क्या करती हैं, केमिकल्स को वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देती हैं। देन टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, ये कुछ ऐसे लिक्विड वेस्ट या फिर सॉलिड वेस्ट जनरेट करती हैं जिससे कि ये वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देती हैं। देन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। टैनरीज। टैनरीज कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर लेदर बनता है उन्हें हम बोलते हैं टैनरीज इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर यूज़ होता है, उसके बाद जो ये लिक्विड वेस्ट जनरेट करते हैं उसको ये वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं। देन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ाया जाता है। दूसरी मेटल की लेयर को क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि जो मेटल है वो कोरोजन ना हो, मीन्स उसमें रस्टिंग ना लगे, वो उसमें जंक ना लगे, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ वही इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ाया जाता है ताकि वो मेटल ख़राब ना हो जाए। तो ये इंडस्ट्रीज़ भी क्या करती हैं, वेस्ट जनरेट करती हैं और उस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्चार्ज करने की बजाय ये सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वाटर बॉडीज़ में उन्हें डिस्चार्ज कर देती हैं, जो कि एक मेन कॉज बन चुका है वाटर पॉल्यूशन का। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ऐसे कौन से मटेरियल जनरेट करती हैं जिससे क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सो मेनली ये क्या करती हैं, डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट, हैवी मेटल्स लाइक लीड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर एट्सेट्रा। ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंस इन इंडस्ट्री से निकल के आते हैं, इन इंडस्ट्री से जनरेट होते हैं, जिनको ये इंडस्ट्रीज प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करती हैं, पॉल्यूशन नॉर्म को प्रॉपरली फॉलो नहीं करती हैं, और इन जो वेस्ट हैं, ये जो हार्मफुल वेस्ट हैं, इनको वाटर बॉडीज़ में क्या कर देती हैं, डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि एक मेन कॉज है वाटर पॉल्यूशन का। देन नेक्स्ट देखते हैं मेजर सॉलिड वेस्ट। जो मेजर सॉलिड वेस्ट हैं जो इंडिया में वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं वो क्या हैं, फ्लाई ऐश जो राख है वो मेन है, फॉस्फोर जिप्सम,
आयरन एंड स्टील स्लैग्स, आयरन और स्टील के जो वेस्ट हैं वो, ये कुछ मेजर सॉलिड वेस्ट हैं, लिक्विड वेस्ट नहीं, जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट हैं जो हमारी वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, वो क्या है, फ्लाई ऐश, फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एयर और वाटर पॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ मेनली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रही हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को पढ़ा, अब इसमें दो और पॉल्यूशन बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।